काफी लोग अपने जीवन में लॉटरी वगैरह या शेयर मार्केट आदि वगैरह में पैसा लगाते हैं। वो इसीलिए लगाते हैं ताकि बहुत ज्यादा आकस्मिक धन की उन्हें प्राप्ति हो सके, अचानक से धन उन्हें प्राप्त हो सके और उनके जीवन की जो गरीबी है और दुख है वह समाप्त हो सके। लेकिन काफी बार सोची हुई चीज हो नहीं पाती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि मंत्र साधनाओं में कुछ ऐसी खास क्रियाएं हैं, ऐसे खास प्रयोग हैं जिनको अगर किया जाता है तो इससे आपके जीतने के बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं और काफी लोग इन्हीं चीजों को करके अपने जीवन में लाभ उठाते हैं और अचानक से ही खूब सारा धन भी कमा लेते हैं, जिससे उनके जीवन की संपूर्ण गरीबी समाप्त हो जाती है, संपूर्ण दुख और चिंताएं भी समाप्त हो जाती हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आपको यह खास क्रिया करनी है। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब भी व्यक्ति के जीवन में गरीबी आती है तो वह केवल तभी आती है जब उसके जीवन में कुछ ग्रह दुष्परिणाम दे रहे होते हैं, खास करके शुक्र ग्रह या फिर गुरु ग्रह। अगर राहु केतु भी दुष्प्रभाव देते हैं तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अमीर नहीं बन पाता है। जो व्यक्ति लॉटरी या शेयर मार्केट या सट्टा आदि वगैरह में अचानक से खूब सारा धन कमाता है तो वह केवल तभी कमा सकता है जब उसके पास राहु केतु या शनि महाराज की कृपा उपलब्ध हो। केवल यही तीन ग्रह ऐसे हैं जो किसी भी व्यक्ति को अचानक से उसकी सोच से परे उसे बहुत ज्यादा अधिक धन अचानक से दे सकते हैं। काफी लोग ऐसा समझते हैं कि शनि ग्रह, राहु केतु ग्रह तीनों ही दुष्प्रभाव केवल देते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जिस व्यक्ति के ये अच्छे होते हैं, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में 11वें हाउस में अगर राहु होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा अधिक धनवान बनता है, बल्कि बहुत ज्यादा मान सम्मान की उसे प्राप्ति होती है, बल्कि बहुत ज्यादा फेमस भी वह हो जाता है। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि राहु केतु या शनि ग्रह के कारण जो अचानक से खूब सारा धन प्राप्त होता है, जिस भी व्यक्ति को प्राप्त होता है, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा नेगेटिव होता है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ एक बुरी आदत अवश्य ही होती है, जैसे कि या तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, या तो वह बहुत ज्यादा नशा करता है, या कोई भी ऐसी एक गलत आदत उसमें जरूर ही होती है। लेकिन अगर वह व्यक्ति अपने कंट्रोल में रहता है तो अपनी बुरी आदतों को भी वह छोड़कर आगे बढ़ सकता है, धन की तो उसके जीवन में फिर कोई समस्या होती नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपकी कुंडली में राहु केतु या शनि देव की कृपा प्राप्त नहीं है, लेकिन तब भी आप बहुत ज्यादा धन कमा सकते हैं। कुबेर देवता को भगवान शिव ने वरदान दिया है कि वे जिस भी साधक की मदद करेंगे उसके रास्ते में ना तो कोई ग्रह आ सकता है, ना ही उसके कोई कर्म आ सकते हैं और ना ही उसकी कुंडली बीच रास्ते में उसके आ सकती है। जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि भगवान विष्णु से जब स्वयं माता लक्ष्मी रूठकर चली गई थी और भगवान विष्णु के जीवन में जब बहुत सारे कष्ट थे, तब उनकी मदद भी स्वयं कुबेर देवता ने ही की थी, क्योंकि केवल कुबेर देव को ही वरदान प्राप्त है कि चाहे आपके जीवन में ग्रह दोष हो, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो, तो ऐसे में केवल कुबेर देवता की कृपा से ही अचानक से खूब सारा धन प्राप्त किया जा सकता है। तो अब दोस्तों आपको बता दें कि जैसे कि आप लॉटरी या सट्टा या कोई भी शेयर मार्केट आदि वगैरह कोई भी चीजें करते हैं, तो आपको एक चीज करनी है कि जब भी इन चीजों को करते हैं तो आपको अपने मन ही मन कुबेर देवता के यंत्र को याद कर लेना है। आपको ये भी बता दें कि यह जो यंत्र है जो आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, यह एक तंत्रोक्त नंबर से बना हुआ बड़ा ही ज्यादा खास यंत्र है। और जैसा कि हमने पिछले काफी वीडियोस में भी आपको बताया है कि हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ गणित अवश्य ही मौजूद रहता है। जब कोई व्यक्ति उस गणित को समझ जाता है या उस गणित के अनुसार चलता है तो उसके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है। और धन के पीछे का गणित केवल यही है जो कुबेर यंत्र कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति पूरे मन से अपने दिमाग में इस यंत्र को छाप लेता है तो वह बिल्कुल धन आकर्षण की चुंबक बन जाता है। लेकिन इस यंत्र की सबसे ज्यादा खास बात केवल ये है कि ये यंत्र उसी व्यक्ति को याद हो पाता है जिसके कुछ कर्म अच्छे हों, जो धार्मिक कार्य करता हो, भलाई के कार्य करता हो और जन का कल्याण केवल सोचता हो। जो व्यक्ति दुष्ट, धूर्त या दूसरों का बुरा करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को ये यंत्र याद ही नहीं हो सकता है। अब चाहे वे कितनी भी कोशिश ही क्यों ना कर लें, वो इस यंत्र को तुरंत ही भूल जाते हैं, क्योंकि इस यंत्र को भगवान शिव का वरदान प्राप्त है। अगर इस यंत्र को आप याद कर लेते हैं, जैसे कि आंखें बंद करते ही अगर आपको ये यंत्र बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और अपने मन ही मन इन नंबर्स को आप बोलते हुए देख सकते हैं कि ऊपर ये लिखा है, बीच में ये लिखा है, इस प्रकार मन ही मन आप इन सभी चीजों को याद कर सकते हैं,
जिस भी दिन स्पष्ट रूप से ये आपको मन ही मन आपको दिखाई देने लगे, तो आप समझ जाएं कि अब आपकी धन की संपूर्ण समस्याएं समाप्त होने वाली हैं। जो भी आप चाहेंगे वो आपके जीवन में तुरंत ही आकर्षित होने लग जाएगा और आप आगे बढ़ते हुए ही चले जाएंगे। यह इतनी खास जानकारी है कि अगर इस चीज को आप संपूर्ण तरीके से याद कर लेते हैं, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जैसे ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, बीच की लाइन में लिखे हुए हैं या सबसे लास्ट की लाइन में लिखे हुए हैं, ये संपूर्ण तरीके से हर एक दिशा से आपको याद करने हैं, बिल्कुल एक फोटो की तरह अपने दिमाग में छाप लेने हैं। जैसे कि गलत आदतें, बुरी चीजें आपके दिमाग में छप जाती हैं और वो ऑटोमेटिक छप जाती हैं, उसी प्रकार बिल्कुल ये अच्छी चीजें आपको अपने दिमाग में छापनी है। तो इस यंत्र को आप फोटो खींच के रख लें या इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें और इसको लगातार देखते रहें, इसको अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से रिकॉर्ड कर लें। तुरंत केवल इतना करने मात्र से चाहे आपके जीवन में कर्ज की समस्याएं हों, चाहे धन की समस्याएं हों, और अगर आप लॉटरी या शेयर मार्केट आदि वगैरह में जीतना चाहते हैं, अचानक से धन प्राप्त करना चाहते हैं, तो इतनी छोटी सी चीज को करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। या जितनी भी बातें हमने इस वीडियो में आपको बताई है, इन संपूर्ण चीजों को आप ध्यान रखें और एक बार फिर से इस वीडियो को देख लें, जिससे सारी बातें आपको अच्छे से याद हो जाएं और आप कोई भी गलती ना करें। अब दोस्तों दूसरी चीज ये है कि अगर आपको ये यंत्र याद हो जाता है, तो अगर इसी यंत्र को देखते हुए मन ही मन माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप श्रीम किया जाए, तो इससे व्यक्ति को राजयोग की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में बहुत ज्यादा अधिक सोना आकर्षित होने लग जाता है। श्री माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है। इसी यंत्र को बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखते हुए, यानी कि इस प्रकार आपको देखना है कि ये बिल्कुल भी ओझल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से जैसे खुली आंखों से आपको चीजें दिखाई देती हैं, उसी प्रकार ये आपको दिखाई देना चाहिए। बस जैसे कि आप अगर किसी से प्यार करते हैं तो आंखें बंद करके उसी व्यक्ति को देख पाते हैं, वह ओझल नहीं होता है, उसी पर ध्यान लगा पाते हैं, क्योंकि आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये चीज़ बड़ी ही ज़्यादा सरल है। तो उसी प्रकार इस यंत्र को बहुत ज़्यादा अधिक प्यार करना है, और अगर इस यंत्र को आप प्यार कर पाते हैं तो ये यंत्र ऑटोमेटिक आपके मन में रिकॉर्ड हो जाता है और फिर जितनी भी चीज़ें आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, वो संपूर्ण चीज़ें आकर्षित होती ही चली जाती हैं। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें, क्योंकि इसी चैनल में हमेशा आपको खास चीज़ें बताई जाती हैं जो कहीं भी नहीं बताई जाती हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबा कर रखें, जिससे जब भी वीडियो आती है तो ये आपको समय पर सबसे पहले मिला करे। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।